नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। चैती छठ पूजा भी बिहार, यूपी और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में मनाई जाती है। इस बार चैती पूजा 25 मार्च 2023 को नहाय खाए से शुरू होगी और 28 मार्च को सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होगी। बता दें कि इस साल चैती छठ पूजा का नहाय खाए 25 मार्च को और 26 मार्च को चैती छठ पूजा खरना है। ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में खूंखार अपराधियों के साथ रखने के बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया को जेल में भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इस चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया कि वह गठबंधन बदलने जा रहे हैं। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में लौटने के क्रम में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि गठबंधन बदलने की बात कही जा रही है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने उल्टे सवाल करते हुए कहा है कि कहां से सुन लेते इस तरह की बात, चिंता मत कीजिए। 9 मार्च को तमिलनाडु से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। नीलगिरी जिले उर्दू मिडिल स्कूल में 13 साल की छात्रा की मौत हो गई थी। मौत की वजहों को जब जानने की कोशिश की गई तब पता चला कि सर्त हारने की वजह से उसने अधिक मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड पिल्स का सेवन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैबा फातिमा ने करीब 45 आयरन और फोलिक पिल्स लिए जिसकी वजह से उसका लिवर फेल हो गया था। बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसमें परिषद की 3 सीटें शिक्षकों के लिए हैं, वहीं 2 सीटें स्नातक सीटों के लिए निर्धारित की गई हैं। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भी करवा लिया। आपको बता दें कि विधान परिषद की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की तारीख 31 मार्च तय की गई है। बता दें कि विधान परिषद का चुनाव जिन 5 स्थानों पर होना है उसमें गया स्नातक और गया शिक्षक का चुनाव है, उसके बाद सारण शिक्षक का चुनाव, फिर कोसी शिक्षक का चुनाव है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की अदालतों को न्याय देने के लिए मॉडर्न तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कई नई तकनीकी वजहों के कारण अदालतों को परेशानी भी हुई, लेकिन हम सब अपनी न्यायिक व्यवस्था और संस्थानों को किसी और महामारी के आने से पहले पूरी तरह से विकसित कर देना चाहते हैं। बिहार में बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब लाखों छात्र अपने परीक्षा परिणाम की बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड में पदस्थ सूत्रों के अनुसार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्दी कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बीएसईबी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर के परिणाम 2023 मार्च में महीने में घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। ये कार्यक्रम 12 पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज का एक हिस्सा है। बता दें कि वेबिनार के इस सीरीज में केंद्र सरकार बजट 2023-24 में किए गए ऐलानों पर विचार और सुझावों को इकट्ठा कर रही है ताकि उन सभी घोषणाओं पर सही दिशा में काम किया जा सके। आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन के तमाम नेता यह आरोप लगा रहे कि वह केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस बीच अब एक बार फिर से राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने लालू परिवार और उनके करीबियों पर चले सीबीआई और ईडी की रेड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस देश में अद्भुत चीजें हो रही है। पहले सीबीआई एक बार पुराना बंद केस 2008 और 10 का जो कि 2 बार पहले बंद हुआ है उसे वापस से खुलवाया गया है, उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरेल के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों मंत्रियों ने आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। इन मुद्दों में व्यापक आर्थिक स्थिति, ऑस्ट्रेलिया से भारत में निवेश को बढ़ावा देने के अवसर और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी क्रांतियों का दोहन शामिल है। दिल्ली में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड संकट के दौरान भारत ने बिना कीमत बढ़ाए और गुणवत्ता के समझौता किए बिना ही 150 देशों को दवाइयां भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 65% वैक्सीन आवश्यकता को पूरा करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जो सस्ती दवाएं उपलब्ध करवा रहा है तो वह है भारत। भारतीय रेलवे ट्रेनों से लेकर स्टेशन तक को कायाकल्प कर रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ रेलवे द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ट्रांस टी स्टॉल की शुरुआत की गई। रेलवे द्वारा इस टी स्टॉल की शुरुआत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए सशक्त बनाने के लिए की गई है। भारत को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के रूप में एक नया एक्सप्रेसवे मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज यानी 12 मार्च को नए मार्ग का उद्घाटन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही जनता दल ने एक अभियान शुरू किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने जैविक और जैव उर्वरकों का उत्पादन और संवर्धन
शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग के चंद सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दक्षिण एशियाई कृषि की अनूठी ताकत फसलों के साथ पशुधन का एकीकरण है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में अकार्बनिक उर्वरक और पशुधन खाद के उपयोग में गंभीर असंतुलन सामने आया। मिट्टी के स्वास्थ्य, खाद्य गुणवत्ता, दक्षता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मुंबई तट पर दो दिन पहले हुई दुर्घटना के बाद अब रक्षा बलों ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के उड़ान पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक जांचकर्ताओं को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण पता नहीं चल जाता। ALH हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल के साथ सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1 अप्रैल 2022 और 10 मार्च 2023 के बीच 17% बढ़कर 13.73 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पूरे वित्तीय वर्ष का 83% है। यह डेटा शनिवार को सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर टैक्सेशन द्वारा जारी किया गया है। पिछले साल 1 अप्रैल से 10 मार्च 2023 तक 2.95 लाख करोड़ रुपए की राशि का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले साल समान अवधि में जारी किए गए रिफंड की तुलना में 59.44% अधिक है। दिल्ली में तिब्बत के 64वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के मौके पर तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीनी दूतावास के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कई तिब्बतियों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा विपक्षी नेताओं पर कसता जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लामबंद होकर मोदी सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के उन सभी दलों को फटकार लगाई है जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ हो रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए अपने समय के तानाशाहों की एक लिस्ट ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा गया। जयराम रमेश ने कहा है कि HRSC को अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाता देख ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम अपने नाम के ऊपर रखे थे। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग लगातार अपनी पहचान कायम कर रहे हैं और राजनीति से लेकर टेक्नोलॉजी और व्यापार की दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते दिनों भारतीय मूल के दो अमेरिकियों रेवती अद्वैती जो फ्लेक्स के CEO और मनीष बापना जो कि नेचुरल डिफेंस काउंसिल के CEO है उन्होंने अपनी सलाहकार समिति में शामिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों CEO को व्यापार नीति और वार्ता के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया है। पेट्रोल की तुलना में डीजल को ज्यादा जलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सिलेंडर में ज्यादा गर्म हवा के लिए बहुत हाई प्रेशर की जरूरत होती है जो डीजल ही उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में डीजल का हाई प्रेशर पेट्रोल के इंजन से 5 से 10 गुना ज्यादा होता है। इससे भारी वाहनों में भारी वजन को लाद ना हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े वाहनों में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 20 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 20 से 21 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA एक हाल ही में खोजे गए एस्ट्रोनॉट की निगरानी करने में जुटी हुई है। इस एस्ट्रोनॉट को लेकर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह साल 2046 में धरती से टकरा सकता है। हालांकि NASA के अनुसार इसके टकराने की आशंका बेहद कम है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक 625 में से एक का चांस है कि यह एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है। NASA की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी खतरे की निगरानी करती है। इंडियन पोस्ट ऑफिस के तहत कई सेविंग स्कीम संचालित किए जाते हैं। छोटी बचत योजनाओं का अकाउंट डाकघर के माध्यम से खुलवाया जा सकता है। इन योजनाओं में लोगों को जमा राशि पर अच्छा रिटर्न के साथ ही टैक्स सेविंग का भी विकल्प मिलता है। अगर कोई टैक्स पेयर से इसमें निवेश करने का विकल्प चुनता है तो टैक्स के हिसाब से टैक्स की छूट सेविंग कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिन पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है तो वो कभी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी बारी बारी पकड़े जा रहे हैं। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों पर अब लगातार पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के ऐसे 9 साथियों की पहचान की थी जो 24 घंटे हथियारों से लैस रहते हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा विभिन्न जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी थी। जांच के दौरान पाया गया था कि 2 हथियारों के लाइसेंस जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और रामबन से जारी हुए थे, जिसको लेकर पंजाब पुलिस ने वहां के प्रशासन को भी नोटिस भिजवाया था। अगर आप भारतीय व्यंजनों के साथ साथ कई देशों के खानपान का स्वाद चखना चाहते हैं तो दिल्ली में लगे फूड फेस्टिवल में जरूर जाएं। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिन के दिल्ली टूरिज्म फूड फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जहां भारतीय व्यंजनों के साथ साथ लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। बता दें कि बीते शुक्रवार को दिल्ली की पर्यटन मंत्री आतिशी मार्लेना द्वारा इस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया।
बढ़ती महंगाई के बीच एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत दी। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया। बैंक ने एफडी पर ब्याज में 0.40% की बढ़ोतरी की है। ये नई ब्याज दरें शुक्रवार 10 मार्च 2023 से लागू हो गई। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक ने कुछ दिन पहले ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। पिछले महीने आरबीआई के महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद ज्यादातर बैंक अपनी एफडी पर ब्याज बढ़ा रहे हैं। केरल का कोच्चि शहर इस वक्त काफी परेशानी से जूझ रहा है। पिछले एक हफ्ते से ये गैस चैम्बर बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है। आसमान में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। लोगों को मास्क लगाकर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वहां लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। वैज्ञानिक वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग के विस्तार की दर को देखते हुए कानूनी रूप से बाध्य संधि की मांग कर रहे, ताकि पृथ्वी की कक्षा को अपूर्णीय क्षति न पहुंचाई जाए। कई सामाजिक और पर्यावरणीय फायदे उपलब्ध कराने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसी आशंका है कि अंतरिक्ष उद्योग की अनुमानित वृद्धि पृथ्वी की कक्षा के बड़े हिस्सों को अनुपयोगी बना सकती है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है कुशलेंद्र कुमार सन्ना, नन्नू गोलू कुमार, एमडी नौसाद रजा, एमडी साकिर हुसैन, रवि शंकर, स्वर्णेश्वर कुमार, बाबूलाल मरांडी और विपिन शर्मा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।